हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनबीर सिंह, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का वेलकम है माय डियर। तो बेटा, ये जो आईटीआई के लिए T2 के लिए, तो आज जो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में, वो करूँगा रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है ना। और सिलेबस में मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि आजकल जो पेपर में आ रहा है, जो आपके सिलेबस में दिया होता है, उससे कुछ हटके भी टॉपिक आ रहे हैं। जैसे अभी कल परसों बच्चों का पेपर हुआ T2 का, तो उसमें हुआ क्या, व्याकरण का सिलेबस दिया है, साहित्य के क्वेश्चन पूछ रहा है। साहित्य में भी सीधे सीधे नहीं पूछ रहा, जो छंद और ये लिखे हुए उनकी पंक्तियां पूछ रहा है कि किसने लिखी हुई हैं। तो आज की डेट में अगर सिलेक्शन निकालना है, तो आपको साइड से भी कुछ चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जो सिलेबस में है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट साइड से भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पेपर निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, देखो, जल्दी का काम शैतान का होता है, उसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ छूट जाती हैं, कुछ हो जाती हैं। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है। और करना क्या है रीजनिंग में, करना क्या है रीजनिंग का, देखो सबसे अच्छा स्कोर करने का तरीका क्या है, पहले आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट, यानी कि पहले आपको हर टॉपिक डिटेल में पता होना चाहिए, देन उसके ऑब्जेक्टिव जितने बनते हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, सिलेबस को डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद हम टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, तो ध्यान से देखो बेटा। तो ये रीजनिंग का देखेंगे बेटा, रीजनिंग का, ठीक है। तो इसमें पहले सिलेबस को अगर मैं डिस्कस करूं, डिस्क्राइब कर दूं, सिलेबस को डिस्क्राइब कर दूं, ठीक है, तो पहले देखेंगे हम इसमें क्या, वर्बल रीजनिंग को देखेंगे माय डियर। किसको देखेंगे, वर्बल रीजनिंग को देखेंगे, वर्बल रीजनिंग को, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर हमारे ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, आपने जो पीछे के पेपर दिए तो वहां देखा ही होगा, ठीक है। तो अब जो हमारा टारगेट रहेगा, किसी भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे, सारे टॉपिक को कवर करके चलेंगे, चाहे वो सिलेबस में है या नहीं है, ठीक है ना। अगर हमें लग रहा है ये जो जुड़े हुए हैं, जो सिलेबस में नहीं है और जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो पहला जो रहेगा इसमें माय डियर, पहला जो रहेगा कॉलम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, ठीक है। किस पे रहेंगे, कॉलम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। अब जो मैंने ये एक लाइन लिखी है ना, प्रॉब्लम ऑन बेस्ड ऑन अल्फाबेट, अल्फाबेट जो आपके ए टू जेड जो अल्फाबेट होते हैं, ए बी सी ए से जेड तक, उन पे जो प्रॉब्लमें बनती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक छिपे हुए होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में देख देगा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, तो आप क्या काम करते हो, बस दो चार टॉपिक पढ़े उसके बाद खत्म करी। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, उन्हें देखो कौन कौन से बनेंगे। इसमें ए पॉइंट बनेगा माय डियर, क्या ए पॉइंट बनेगा बेटा, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्या बनेगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। इसमें जो बी पॉइंट आएगा आपका, वो आएगा ऑड वन आउट, क्या आएगा, ऑड वन आउट। मैं समझाऊंगा सारा, ऑड वन आउट। जो माय डियर इसमें सी पॉइंट आएगा आपका, वो आएगा वर्ड फॉर्मेशन, क्या आएगा बेटा, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। और जो इसमें बेटा डी पॉइंट आएगा आपका, वो आएगा पेयर फॉर्मेशन, क्या आएगा जी, पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। समझाऊंगा मैं सारा, ए बी सी डी, और ई पॉइंट जो आएगा इसमें, वो आएगा डिक्शनरी, ठीक है। ई एफ पॉइंट जो आएगा बेटा इसमें, वो आएगा लेटर सीरीज, जी पॉइंट आएगा वो आएगा जंबलिंग, क्या आएगा जी, जंबलिंग आएगा,
ठीक है। अब ध्यान रखेंगे जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट होंगे, अल्फाबेट से कितने टाइप के प्रॉब्लम बन सकते हैं, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग बनेगा, ऑड वन आउट बनेगा, वर्ड फॉर्मेशन बनेगा, पेयर फॉर्मेशन बनेगा, डिक्शनरी बनेगा, लेटर सीरीज बनेगा, जंबलिंग बनेगा। जंबलिंग वाले वो क्वेश्चन होते हैं, वो कहेगा कोई ही लेटर राइट हैंड से 18 नंबर पे है, उसके लेफ्ट हैंड में थर्ड नंबर पर कौन सा लेटर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके बनते हैं जंबलिंग में। अब बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। दूसरा पॉइंट आता है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है। थोड़ा सा ऑन नंबर्स, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट बनेगा बेटा नंबर सीरीज, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो पहला पॉइंट बनेगा क्या, नंबर सीरीज। दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें, मिसिंग नंबर। ठीक है, यहां पे जो चलेगा आपका अल्फाबेट वाला चलेगा इधर, और यहां पे जो चलेगा ये नंबर वाला चलेगा, ठीक है। और यहां पे जो तीसरा पॉइंट आएगा माय डियर, वो आएगा एनालॉजी। एनालॉजी चौथा पॉइंट बनेगा आपका ऑड वन आउट बनेगा। चौथा पॉइंट कौन सा बनेगा, ऑड वन आउट। चलो बेटा, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया आपका, एनालॉजी हो गया, ऑड वन आउट हो गया, कौन सा, ऑड वन आउट। और बेटा इसी में आ जाएगा एक कोडेड इक्वेशन, कोडेड इक्वेशन। तो ये अल्फाबेट में आएगा, अल्फाबेट प्रॉब्लम में, और वो आएगा नंबर सीरीज की प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है, ये नोट कर लो बेटा, ठीक है। अभी दो चैप्टर हुए हैं आपके, दो चैप्टर, पहला चैप्टर कौन सा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स पे, और ये दूसरा चैप्टर कौन सा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पे, ठीक है, दो चैप्टर हुए हैं। अब मैं तीसरे चैप्टर की बात करूंगा, ठीक है, ये पहले चैप्टर के अंदर आएंगे ये पॉइंट, और ये दूसरे चैप्टर के अंदर आएंगे ये वाले पॉइंट। अब तीसरे चैप्टर की बात करूंगा मैं, तो तीसरा चैप्टर आ जाएगा आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है, तीसरा चैप्टर ब्लड रिलेशन बोले तो रक्त संबंध, इसे क्या बोलते हैं आप, रक्त संबंध, ठीक है। फिर आएगा आपका चौथा चैप्टर काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। फिर चलते हैं बेटा कैलेंडर, क्लॉक, डाइस। पांचवा चैप्टर आएगा आपका कैलेंडर, ठीक है। छठा चैप्टर आएगा आपका क्लॉक, क्या क्लॉक, इधर रब कर दूं इसे, छठा, क्लॉक हो गया, यहां देख लो। सातवां डाइस आ जाएगा, आठवां क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्या बेटा, क्यूब एंड क्यूबॉइड आ जाएगा, घन और घनाभ आ जाएगा। फिर डायरेक्शन, फिर रैंकिंग,
फिर ले लो डायरेक्शन को, नव आ जाएगा डायरेक्शन आपका। दसवां ले लो बेटा रैंकिंग को, ठीक है, या रैंकिंग के पास ही ले लो ग्यारहवां चाहे दस सिटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट यहीं ले लो, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम डाइस पढ़ेंगे तो तुरंत हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड, जैसे ही डायरेक्शन पढ़ेंगे डायरेक्शन के साथ ही पढ़ेंगे रैंकिंग, और रैंकिंग के साथ ही पढ़ेंगे किसको, सेटिंग अरेंजमेंट को, ठीक है। चलो फिर इसी में यहीं पे ले लो एक चैप्टर और बेटा पजल, ठीक है। पजल का क्वेश्चन जैसे कुछ टेक्निकल के एग्जाम आईबीएस भी कराता है, ठीक है, आईपीएस भी कराता है, जैसे राजस्थान का करा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है पजल बेस्ड, क्योंकि बैंकिंग में क्या रहेगा पजल भी रहता है, और तो वो आईपीएस का पैटर्न है उस वाले एग्जाम में, तो वहां हो सकता है पजल भी दे दे आपको, ठीक है। यहां से मैं आपको बताऊंगा कौन सा बैंकिंग का रहेगा और कौन सा आपका रहेगा, तो बैंकिंग के जो टॉपिक रहेंगे मैं उन पर टिक कर दूंगा, बट उन्हें थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे, क्योंकि हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अगला तेरमा सिलोज, ठीक है, सिलॉक्स आ जाएंगे बेटा, सिलोलिज्म सिलॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका बेन डायग्राम, नजर आ रहा है ना यहां पे, चौथा यहीं पे ले लो बेटा बेन डायग्राम, क्या वेन डायग्राम, वेन आरेख, चलो 14 हो गए, और 15वां देखते हैं, 15वां इनइक्वलिटीज, क्या इनइक्वलिटीज। फिर आएगा आपका मशीन इनपुट आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट आएगा बेटा। फिर आएगा 17 स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट अजम्पशन आएगा बेटा, ठीक है, स्टेटमेंट अजम्पशन। अब देखते हैं बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलेबस, तो वो मैं यहां राइट डाउन कर देता हूं, ठीक है, इसे हटा के यहां पे कर देता हूं, ठीक है। यहां पे देखो बेटा स्टेटमेंट अजम्पशन हो गए बेटा, अब हेडिंग डालो नॉन वर्बल रीजनिंग, जो 18वां चैप्टर आएगा आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का, नॉन वर्बल रीजनिंग का, इसके अंदर बेटा क्या चैप्टर आएंगे, पहला मैट्रिक्स, बट आपका मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना, परेशान बिल्कुल मत हो। दूसरा मैं ये बता रहा हूं नॉन वर्बल रीजनिंग में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वाटर एंड मिरर इमेज एंड मिरर इमेज, तीसरा बनेगा बेटा पेपर कटिंग, क्या पेपर कटिंग, जो चौथा बनेगा माय डियर यहां से वो बनेगा एम्बेडेड फिगर, जो पांचवा बनेगा वो बनेगा बेटा आपका ग्रुपिंग फिगर, क्या ग्रुपिंग फिगर बनेगा, ठीक है।
और जो छठा बनेगा आपका यहां से छठा सीरीज और सातवां बनेगा बेटा यहां से डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन और आठवां बनेगा यहां से वो ऑड वन आउट। ठीक है, तो ये हो गया बेटा जो रीजनिंग में जितने भी चैप्टर बनते हैं। हाँ, एक बात और कहूंगा मैं आपसे कि जैसे स्टेट एग्जाम के पेपर होते हैं तो उसमें बेटा जो एक रीजनिंग और एक मैथ के जो बीच का पार्ट होता है जो कि रीजनिंग में मैथ कंबाइंड होता है मिक्स होता है एक वो बनता है वो होते हैं लैंग्वेज के क्वेश्चन लेंथी होते हैं जैसे एज प्रॉब्लम वाले आगे। ठीक है, कौन से आगे एज प्रॉब्लम वाले, तो एक चैप्टर और लिख लो यहाँ पे आप एज प्रॉब्लम एज प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये वाला और लिखते हैं तो ध्यान देंगे। वर्बल रीजनिंग में मैं बात करूंगा तो वो बनेगा बेटा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया ऑड वन आउट हो गया कोडिंग इक्वेशंस हो गई ये सारे इस पर बनेंगे। मैंने पांच छह चैप्टर लिखा दिया आपके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स पे। दूसरा जो चैप्टर बनता है बेटा वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पे। ठीक है, ध्यान देंगे माय डियर यहां पे कि जो ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पे यहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है एनालॉजी में और एनालॉजी में सबसे ज्यादा डाउटफुल ये क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज बनेगा और नंबर सीरीज के अंदर भी कितने टाइप्स की नंबर सीरीज होती है कैसे कैसे बनती है। मिसिंग नंबर भी बनेगा बेटा, मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना। एनालॉजी में देखो यहाँ पे जो मिक्सअप आएगा बेटा नंबर्स का आएगा यानी कि यहाँ पे नंबर सिस्टम भी इंक्लूड हो जाता है। एनालॉजी में क्या नंबर सिस्टम भी इंक्लूड हो जाता है, जैसे मैं कहूँ बेटा जैसे स्क्वेयर भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे क्यूब भी ऐड हो जाएगा यानी कि नंबर सिस्टम जितने भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कुछ जीएस का पार्ट भी आ जाता है। जीएस का पार्ट कैसे, जैसे कंट्री की कैपिटल, कंट्री की करेंसी, ठीक है, या कंट्री का कोई राष्ट्रीय प्रतीक ये पूछ लेते हैं तो यहाँ पे कुछ जीएस का पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे स्टडी, जैसे पक्षियों का यानी कि वर्ड्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो कुछ साइंस वाला भी पार्ट बोले तो यहाँ पे बेटा कुछ जीएस का पार्ट इंक्लूड हो जाएगा एनालॉजी में। ठीक है, वो भी देखेंगे हम। ऑड वन आउट निकालना है तो ऑड वन आउट है ना यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड नंबर में ऑड वन आउट कैसे निकालना है बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं ऑड वन आउट के लिए, जैसे बेटा ये 16 है, ये 64 है, ये 36 है और ये है 12, तो यहां कहेगा ऑड वन आउट निकालना है तो ये नंबर दिए हैं। ऑड वन आउट कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, 16 किसका, 4 का परफेक्ट स्क्वेयर होता है, 64 क्या बेटा 8 का परफेक्ट स्क्वेयर होता है, 36 क्या 6 का परफेक्ट स्क्वेयर होता है, 12 किसी का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होता, तो ऐसे ऑड वन आउट निकालना होगा। कोडेड इक्वेशन करना है बेटा, कोडेड इक्वेशन बोले तो इसमें कुछ स्पेशल केस आ जाते हैं, क्या स्पेशल केस आ जाते हैं। ठीक है, तो वो स्पेशल केस इसमें कोडेड इक्वेशन में देखने पड़ते हैं हमें। ठीक है, तीसरा चैप्टर आएगा बेटा ब्लड रिलेशन आएगा। ब्लड रिलेशन बड़ा इजी चैप्टर है, अगर आपको अपने रक्त और संबंध यानी कि मम्मी की तरफ से और पापा की तरफ से संबंधों के बारे में पता है तो इन क्वेश्चनों को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ब्लड रिलेशन का कोई भी एग्जाम हो, चाहे टेक्निकल का हो, चाहे नॉन टेक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो या फिर किसी डिफेंस का हो, तो वहां पर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल के बाद में आता है स्क्वायर और स्क्वायर के बाद में आता है रेक्टेंगल आता है। ठीक है, बट आजकल इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो वो भी देखेंगे हम इसमें। फिर आता है बेटा कैलेंडर, कैलेंडर से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कैलेंडर में तीन चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको डेट ऑफ बर्थ दी होगी उसका दिन निकलवा लेगा या फिर इमेजिनरी डेट निकलवा लेगा। ठीक है ना, इमेजिनरी डेट तो वो मैं जब ये से कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। कैलेंडर में क्लॉक में, क्लॉक में बेटा ये ज्यादा तो ऐसे पूछ लेता जनरली क्वेश्चन के, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू हैंड्स यानी कि दो सुइयों के बीच का कोण, जैसे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच के एंगल पूछ लेगा। ठीक है, यहां देखेंगे। और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन वो बनते हैं बेटा जैसे फॉल्टी क्लॉक होती है कि कोई घड़ी तेज चलती है फिर स्लो चलती है यानी कि मंद हो जाती है, यानी कि एक घंटे में दो मिनट लेट होती है तो 12 घंटे में कितना लेट हो जाएगी, तो उस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। सातवां चैप्टर आता है बेटा डाइस का। डाइस को बोलते हैं हिंदी में पासा, क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं भाई माय डियर।
तो पासे के क्वेश्चंस बनेंगे आपके, तो इसमें दो तीन अप्रोच रहती हैं, तो उनसे बड़ा इजी रहता है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे हम डाइस पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो क्यूब होता है बेटा घन, घन की तीनों जो साइडें होती हैं, थ्री साइड जो होते हैं, थ्री डायमेंशनल होता है ये, और जो तीनों साइडें होती है इसकी इक्वल होती है। और क्यूबॉइड में तीनों साइडें जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, ठीक है ना। अगर ये क्यूब 6 × 6 × 6 का है तो हो सकता है ये 6 × 8 × 10 का हो, ठीक है ना। घन और घनाभ ये भी पढ़ेंगे यहाँ पे। अब क्यूब में और क्यूबॉइड में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर मैं आपको बताऊं माय डियर, जैसे बेटा ये क्यूब है, ये क्या है क्यूब है, तो वो पूछ लेगा, अगर ये रेड पेंटेड है सारा, क्या है रेड पेंटेड है, तो वो पूछ लेगा देखो इनकी कितनी सरफेस हो गई, एक ये वाली होगी, एक ये वाली होगी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। बोले तो फ्रंट बैक, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, तो इसकी कितनी 6 सरफेस होगी। तो वो पूछ लेगा कि इसमें 2 सरफेस पेंटेड कितने होंगे, 3 सरफेस पेंटेड कितने होंगे, 1 सरफेस पेंटेड कितने होंगे, 0 सरफेस पेंटेड कितने होंगे, तो वो वही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और क्यूब में बेटा 3 सरफेस पेंटेड से ज्यादा नहीं होते क्यूब में, यानी कि घन में, क्यों 3 सरफेस से पेंटेड ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और क्यूबॉइड में 3 सरफेस पेंटेड से ज्यादा भी मिल सकते हैं क्यूबॉइड में। डायरेक्शन देखेंगे बेटा, और डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन मिल जाए तो सिलेक्शन इजीली हो जाता है। अगर राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन यानी गाइडेंस नहीं मिला तो भटकता रहता है बच्चा, सालों सालों भटकता रहता है, तब जाके वो सक्सेस होता है, ठीक है। डायरेक्शन को देखेंगे, डायरेक्शन को हम डिटेल में भी देखेंगे, अप्रोच भी लेंगे, हर तरीके से देखेंगे इसको, ठीक है। रैंकिंग, रैंकिंग में बेटा जो रैंकिंग रहेगा, रैंकिंग का मतलब एक तरीके से कह सकता हूँ, रैंक को दूसरी लैंग्वेज में मैं बोलूँ, दूसरा वर्ड इसके लिए यूज करूँ तो डिस्टेंस यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे एक कोई रो है, इसमें बच्चे बैठे हुए, मान लो मैं इधर से, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड से 12वें नंबर पर हूँ और राइट हैंड से 13वें नंबर पर हूँ, तो टोटल पूछ लेगा तो क्या चल रहा है, ठीक है, उस टाइप से भी देखेंगे। सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, इसमें 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 बंदे देगा और उन्हें बिठाने का सीक्वेंस देखेगा, या तो किसी सर्कुलर टेबल पर देखेगा, या किसी रो में देखेगा, या स्क्वायर टेबल पर देखेगा, ठीक है, या फिर रेक्टेंगल टेबल पर देखेगा, तो इन्हें बिठाने का अरेंजमेंट भी देखेगा। अब पजल में, पजल में और सिटिंग अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस, पजल में, पजल में, पजल का मतलब है इसे और उलझाना, ठीक है। ये जो ऊपर की चीजें पड़ी हैं, रैंकिंग, सेटिंग, अरेंजमेंट, इन्हें और ज्यादा उलझाना, जो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना, कैसे। अभी क्या था कि अगर मैं कहूं बेटा 6 बच्चे हैं, 6 आदमी हैं, उन्हें बिठाना है, और 6 आदमियों के साथ उनकी 6 वाइफ को भी बिठाना है, ठीक है ना। अब ये हो गया, ये पजल में आएगा, 6 वाइफ को भी बिठाना है। अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो वो कह देगा बेटा ये जो 6 आदमी, इनको प्रोफेशन डिसाइड कर देगा कि वो फलाना इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो वकील है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो कुछ है, वो कुछ है, ऐसी उनकी वाइफ के प्रोफेशन दे देगा, ठीक है। तो फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा तो उसमें बिठा देगा इन्हें, तो पजल में यहाँ आ जाएगा। सिलॉक्स, सिलॉक्स भी देखेंगे, तो सिलॉक्स में इसमें देखेंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है लगता है, ठीक है। वेन डायग्राम, वेन आरेख भी देखेंगे, तो क्योंकि वेन डायग्राम और सिलॉग में कुछ चीजें हमें ऐसी हैं जो हमें पता होना चाहिए। इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी मैं बताऊंगा, मशीन इनपुट आउटपुट रजिस्टर्ड में अजम्पशन, यह हर किसी के पेपर में आता है, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक। और एक आ गया एज प्रॉब्लम। एक बात और, यहाँ पे जो बैंक का जो क्वेश्चन, बैंक का जो सिलेबस है, बैंक का सिलेबस जो रहता है, ठीक है, जो एसएससी में कम पूछा जाता है, यानी कि अदर एग्जाम में कम पूछा जाता है, बैंक के में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे बेटा सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, सिलॉग हो गया, ये बैंकिंग का है। इनइक्वलिटी हो गया, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, ये उसका है, और ये भी आता है, एज भी आता है, ठीक है। और क्या था, हाँ सीरीज वार, बाकी तो पूछे जाएंगे, बट ये आपके थोड़े से हटके टॉपिक हो जाते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल। आप भी जानते हो सेटिंग अरेंजमेंट आपके में आता है, स्लॉग भी आता है, बट बचा क्या आपके में, बस इनइक्वलिटी, मशीन इनपुट आउटपुट। जो राजस्थान RBNL का पेपर है उसमें बैंकिंग का सिलेबस है, यानी कि IPS उसे कराएगा तो उसमें रखेगा, ठीक है। बस बचा क्या, बस यही तो है, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वलिटी, स्लॉग्स और पजल। स्लॉग्स भी आता है आपका, पजल नहीं आता बस, और पजल भी आजकल देने लग गया है, ठीक है। तो ये आपका माय डियर सिलेबस रहेगा। तो बेटा यहाँ पे आप इसे नोट कर लीजिएगा, तो हम इस पे बढ़ेंगे, वन बाई वन करके बढ़ेंगे, ठीक है। और ये डिटेल में करने के बाद इसके फिर हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, ठीक है।
डिटेल में देखो चीजों को पढ़ने के बाद उस पर अप्रोच लेना सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं बट उस पर अप्रोच नहीं ले पाते हैं, तो अप्रोच लेना बहुत बड़ी बात होती है माय डियर। तो इस पर अप्रोच कैसे लेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले ये चैप्टर वाइज मैंने आपको लिखा ही दिया है। तो ये अल्फाबेट, अल्फाबेट जैसे बेटा ए टू जेड 26 होते हैं, तो इनकी नंबरिंग पहले हम सबसे पहले याद करेंगे कि बी कितने पे आता है 2 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, वी कितने पे आता है 22 पे, एक्स कितने पे 24 पे, टी 20 पे, एच 8 पे, जी 7 पे, जेड 26 पे, वाई 25 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, ऐसे करके एल 12 पे, जे 10 पे, आई 9 पे, ऐसे करके हम इन्हें भी अल्फाबेट की नंबरिंग भी याद करेंगे। ठीक है ना, और नंबरिंग फिर इनका अपोजिट भी याद करेंगे, तो अपोजिट कैसे याद करेंगे ठीक है, फिर वो भी देखेंगे हम। मतलब मैं क्लास में ही तैयार करा दूंगा और फिर इनके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपका सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमारी क्या रहेगी, ये डिटेल हो गया चैप्टर वाइज, फिर इनके ऑब्जेक्टिव हो गए और बेटा फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए हर एग्जाम के। ऐसा नहीं है कि आईटीआई TU2 की उठाने, वो तो उठाएंगे उठाएंगे, सब एग्जाम के जितने भी होते हैं SSC वगैरह वगैरह सब में। ठीक है, चाहे टेक्निकल का चाहे नॉन टेक का, क्योंकि जब जाके हमारी इस पर अच्छी पकड़ बनेगी। और आपको मैं नहीं कह रहा कि बेटा आप इस पर बहुत ज्यादा टाइम दो रीजनिंग पे, आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है इस पर। ठीक है, इस पर बस क्लास जो होगी आपकी वो रेगुलर लेते चले जाओ, उसी में आपका काम हो जाना है। जो रेगुलर क्लास होगी माय डियर उसको लेते हुए चले जाओ, उसी में आपका काम हो जाना है। ठीक है, तो यहां पे देखो जैसे मैं बात करूं थोड़ा सा, एक बार मैं बताता हूं अल्फाबेट को कैसे याद करना है आपको। ठीक है, तो मैं इसे यहां से थोड़ा सा रब कर देता हूं, है ना, यहां से कर देता हूं। देखो यहां पे जैसे मैं कहूं बेटा अल्फाबेट का नंबर्स, अल्फाबेट का नंबर्स, अल्फाबेट का नंबर्स बेटा, देखो बेटा यहां पे माय डियर अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे ए है, एक नंबर पे आता है, बी दो पे आता है, सी तीन पे, ई चार पे, ए बी सी डी, अरे सी के बाद तो डी आएगा, मैं ई क्यों लिख रहा हूं, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, आपको डरना नहीं है कि सर इतने चैप्टर हो गए रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होंगे, हवा में होंगे, हवा में, हवा में, ये इसका मतलब ये नहीं कि हवा में उड़ जाएगा, समझ में सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, फिर स्टार्ट कर देंगे आपका ना चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे देखो बेटा, देखो आपको अभी फिलहाल याद नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे भी याद कराते हैं इनको अल्फाबेट को, भैया इन्हें जो टी करके याद कर लो, मैं नहीं मानता कुछ ऐसा, क्योंकि ये अपनी कोशिश होती है, जब आप ही कोशिश नहीं करोगे तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको याद करा दे। ठीक है, ऐसा कोई कुछ ऐसी कोई घुटी नहीं है कि वो सिर्फ प्योर याद हो जाए, नहीं, ये अपनी ही कोशिश होती है और ये आप ही की मेहनत है जो सिलेक्शन दिलाएगी, किसी की कोई कुछ नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्फाबेट को याद करना, जैसे मुझे याद है क्यू कितने पे 17 पे, एक्स कितने पे 24 पे, आर कितने पे 18 पे, ई कितने पे 5 पे, जी कितने पे 7 पे, एम 13 पे, और देखो क्यू 17 पे, एक्स 24 पे, वाई 25 पे, जेड 26 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे और एम 13 पे, ऐसे करके आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा याद रहेगा तो ये समझ लो जो अल्फाबेट की हमने प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी चुटकियों में। ठीक है, फिर इनका अपोजिट्स कैसे याद करना होता है बेटा, ए टू जेड, तो ये तो आप सभी को याद ही होगा, एक अपोजिट जेड होता है। ठीक है, एक चीज और कि अक्सर मैंने यूट्यूब पर जब पढ़ाता हूं तो बच्चे कहते हैं कि सर 27 से माइनस क्यों करते हो बेटा, कि ए और जेड का सम कितना होता है, ये 1 पे आता है, ये 26 पे आता है, तो ये कितना हो गया बेटा 27 हो गया, इसलिए मैं 27 में से माइनस करता हूं। ठीक है, अगर मैं कहूं बेटा कि 1 + 26 = 27 है, ठीक है, और ये ए की वैल्यू है, तो 26 की वैल्यू निकालो,
ए है, तो बेटा आप 26 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ए प्लस 26 इक्वल टू 27 है, तो ये 26 की वैल्यू जब निकालोगे तो 27 माइनस के 1 तो ये आ जाएगा 26। तो 27 में से ही माइनस करना होता है हमें, ठीक है। तो देखो यहां पे देखो आप इसे ना, देखो बी के अपोजिट बाई होता है बेटा बाय बाय से, याद रख सकते हो किससे, बाय बाय से, बी के अपोजिट बाई होता है तो बाय बाय से याद रख सकते हो। 6 इसे किससे याद रख सकते हो, 6 से, सी के अपोजिट एक्स हो जाएगा 6 सी के अपोजिट एक्स हो जाता है। डी डब्ल्यू डाउन से भी याद रख सकते हो, और आप में से एक बच्चे ने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कि सर दूध वाला, तो दूध वाला भी मुझे बड़ा ठीक लगा, तो डी डब्ल्यू दूध वाला हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा ये, दूध वाला, ठीक है ना, दूध वाला, दूध वाला, ऐसे करके याद रख सकते हो। ईव का अपोजिट बी होता है, वी का अपोजिट ई होता है, तो ये इवनिंग से याद हो जाएगा बेटा, किससे, इवनिंग से। एफ के अपोजिट यू, तो ये फू से याद रख लो इसे, फू। जी टी रोड, जी के अपोजिट टी, तो जी टी रोड, ठीक है। एच के अपोजिट एच, तो हाई स्कूल से बेटा, किससे, हाई स्कूल से। आई के अपोजिट आर्ट, इंडियन रेलवे, क्या, इंडियन रेलवे। जनरल क्वेश्चन, तो वैसे तो जी आता है जनरल में, क्या आता है बेटा, जी से आता है जनरल क्वेश्चन, ऐसे बनता है, तो जनरल क्वेश्चन याद करने के लिए इतना याद रखो, जनरल क्वेश्चंस, ठीक है। जे के अपोजिट क्यू, क्यू के अपोजिट जे बेटा। कीप किससे याद रखो, इसे कीप से, कीप, केप के अपोजिट पी, पी के अपोजिट के। लव, एल ओ, लव, लो भी याद रख सकते हो, लव भी याद रख सकते हो, तो एल के अपोजिट ओ, ओ के अपोजिट एल। मन की बात, तो यहां क्या आ जाएगा, मन की बात, एम के अपोजिट एन, एन के अपोजिट एम आ जाएगा, ठीक है। तो हम चैप्टर वाइज चलेंगे बेटा, थोड़ा सा आप इसे तब तक अल्फाबेट को, अल्फाबेट की नंबरिंग को याद करके रखना है, और ये अल्फाबेट का अपोजिट्स याद करके रखना है, तो बहुत सारी चीजें हमारी आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका रहेगा बेटा, फिर लाइव क्लास रहेंगी पेड कोर्स में, ठीक है। पेड कोर्स में हम चैप्टर वाइज चलेंगे, फिर डिटेल करेंगे, फिर उनके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, फिर मिक्स लगाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर के लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये पेड कोर्स के लिए बेटा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये जो लॉन्चिंग का जो टाइम है, आप पेड कोर्स ले सकते हो, कल होगा लॉन्च बेटा, तो फिर ये 10 तारीख तक अवेलेबल रहेगा आपका, ठीक है। तो आपको सॉलिड और बढ़िया रीजनिंग करनी है तो आप इसे ज्वाइन करिएगा, और आई होप क्या सभी के डाउट क्लियर भी होंगे, एक डाउट सेशन भी रखा जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।